पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हंगामे और तोड़फोड़ के बाद सियासी पारा चढ़ गया। हिंसा के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की और चिंता जाहिर की, जिसके बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया कि गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी अध्यक्ष की रैली में हिस्सा लेने वाले लोगों के साथ हुई हिंसा और आगजनी की खबरों पर चिंता जताई। उन्होंने हिंसा में शामिल लोगों पर जल्द कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। वहीं बीजेपी ने मिदनापुर हिंसा के लिए सीधे टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा दिया। जो टीएमसी के गुंडे हैं वो सड़क पर उतर के आके पत्थरबाजी कर रहे हैं, बसेस में से कार्यकर्ताओं को निकालकर पीटा जा रहा है। ये दिखाता है कि आज बंगाल में परिस्थिति किस प्रकार की है। जिसके जवाब में टीएमसी ने सभी आरोपों को बीजेपी की नाकामी छुपाने का हथकंडा करार दिया। बीजेपी हैज नो इश्यू, द ओनली इश्यू टू ब्लेम द तृणमूल कांग्रेस इज जस्ट अ यू नो इज जस्ट अ कैमोफ्लेज बिकॉज ऑल द मीटिंग्स आर गेटिंग फ्लॉप्ड। लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और पार्टी अध्यक्ष ने खुद प्रचार की कमान संभाल ली है। लोकपाल की नियुक्ति के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर आंदोलन करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अपने गांव रालीगढ़ सिद्धि में वो आज सुबह 10 बजे अनशन पर बैठेंगे। केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकपाल कानून बने 5 साल हो गए और सरकार 5 साल से सिर्फ बहानेबाजी करती आ रही है। राज्य सरकार तो फक्त लोक आयुक्त है, पण लोक आयुक्ताला सुद्धा कायदा असा म्हणतो, लोकपाल लोक आयुक्त कायदा तो काय म्हणतो, लोकपालाचा कायदा झाल्यानंतर 1 वर्षाच्या आतमध्ये राज्याने लोकायुक्त कायदा करावा विधानसभेने। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन में हिमाचल प्रदेश कई इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। शिमला, चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर में 2 फरवरी तक खराब मौसम रहने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में पारा माइनस के नीचे जा रहा है। लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश में 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। आप देख सकते हैं जगह जगह रास्तों पर बर्फ है और अधिकारी वहां पर जगह जगह रास्ते में हैं, क्योंकि लोगों को एहतियातन आगे जाने से रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जब जरूरत हो तो ही घरों से बाहर निकले। कई जगह पर ऐसे हालात हैं कि वहां पर स्नो कटर की मदद से बर्फ को हटाया जा रहा है। 31 तारीख को थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा रहेगा, मोस्ट प्लेसेस पे बारिश और स्नोफॉल होने की पॉसिबिलिटी है। निचले इलाकों में हेलस्टॉर्म और जो हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हाई रिचेज वाले एरिया हैं वहाँ पे कुछ एक जगह पे हैवी स्नोफॉल हो सकता है। 30 और 31 दोपहर तक जो है प्रिडिक्शन है कि थोड़ी बहुत बर्फबारी राज्य में जो है होगी और बारिश का भी जो है थोड़ी प्रिडिक्शन की गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्मार्टफोन योजना पर कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, साथ ही योजना में बांटे गए स्मार्टफोन की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए और योजना में गड़बड़ी होने का दावा किया। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने आरोप लगाया कि छात्रों को सस्ते और खराब स्मार्टफोन देकर उनके साथ धोखा किया गया। सरकार ने स्मार्टफोन योजना की जांच कराने का दावा भी किया। स्मार्टफोन की योजना क्यों आई थी, वो राजनीतिक लालच था, मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार था, इसकी जाँच हो। लेकिन बीजेपी ने योजना में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस सरकार पर ही सवाल उठा दिए। लगातार 4 साल से चल रही थी, उस समय तो कहीं बात आई नहीं, सरकार बदलते से ये बात कैसे आ गई। वहीं कई छात्रों ने योजना के तहत बांटे गए स्मार्टफोन को बेहद खराब बताया और उनमें कई तरह की दिक्कतों का दावा किया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने छात्रों को तकनीक की मदद से बेहतर पढ़ाई करने के मकसद से 4 लाख स्मार्टफोन बांटे थे। शिमला में बर्फबारी के बीच इमारत जली। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद बुझा लिया गया। पंजाब में साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले हुए मौड़ मंडी ब्लास्ट के मामले में पुलिस ने आरोपियों का पोस्टर जारी किया। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस ने अपहरण किए गए 2 बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया और 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने बताया कि गठबंधन आखिरी दौर में है और प्रकाश आम्बेडकर को साथ आने पर कुछ सीट मिल सकती है। दिल्ली पुलिस ने ग्रेटर कैलाश थाने में स्पाइसजेट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह समेत 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पेंशन बहाली की मांग पर रिटायर्ड टीचरों ने मशाल जुलूस निकाला।
प्रदर्शन कर रहे टीचरों ने यूपी में 2004 से बंद किए गए पेंशन सिस्टम को दोबारा लागू करने की मांग उठाई। और हाथों में मशाल लेकर सैकड़ों रिटायर्ड टीचरों ने एक जगह जमा होकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ टीचरों ने अपनी मांग लिखा बैनर लेकर मार्च किया। टीचरों का जुलूस शहर की कई सड़कों से होकर डीएम दफ्तर तक पहुंचा। वहां प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। सभी साथी हमारे यहां इस उद्देश्य के लिए एकत्र हुए कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और हमारे बुढ़ापे की लाठी को मजबूत किया जाए। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक डीएम से मिलना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका तो गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने अपनी मशालें वहीं फेंक दी और डीएम दफ्तर के बाहर ही जमा होकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। इस दौरान टीचरों ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के नाम पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया और सरकार से 2004 में बंद की गई पेंशन व्यवस्था को ही फिर से लागू किए जाने की मांग दोहराई। एनपीएस से सेटिस्फाइड नहीं है, एक तो हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जा रहा है, ऊपर से जो पैसा काटा जा रहा है वो हमारे खातों में जा ही नहीं रहा, तो हमें पुरानी पेंशन से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। डीएम दफ्तर के बाहर हंगामा बढ़ता देख कुछ टीचरों को डीएम से मिलने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। प्रदर्शन कर रहे टीचरों ने 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हड़ताल का ऐलान किया और मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी।